गिरफ्तार पिछले कई दिनों से फरार था विजय मिश्रा, यूपी के कई जिलों में 73 से ज्यादा केस दर्ज। विधायक विजय मिश्रा की एमएलसी पत्नी रामलली बिना गनर के फरार, एसपी ने रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश, पट्टीदार ने रामलली के खिलाफ दर्ज करवाया है केस। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की चौपाल में हुआ नेशनल खिलाड़ियों का अपमान, जमीन पर बैठाकर खिलाड़ियों की सुनी गई समस्या। आगरा के सदर बाजार में बड़ा हादसा, मार्केट की दुकान का गिरा छज्जा, बाल बाल बचे कई लोग, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। हमीरपुर में झोला छाप डॉक्टर ने ली जान, महिला मरीज के गलत इंजेक्शन लगने से मौत, आरोपी डॉक्टर फरार। वाराणसी में दो पक्षों में जमकर चली लाठियां, 6 से ज्यादा लोग घायल, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा एक बार फिर से पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। उन्हें मध्य प्रदेश के आगर मालवा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक विजय मिश्रा के खिलाफ आपराधिक आरोपों में 73 मुकदमे दर्ज हैं। विजय मिश्रा इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक बार फिर पुलिस की पकड़ से खुद को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भागे, तो कभी साधु के वेश में समर्पण भी किया। अब प्रयागराज जिले के सादाबाग क्षेत्र के खपटीहा गांव में जन्मे विजय मिश्रा ने 1980 में एक पेट्रोल पंप और ट्रक संचालन से अपने कारोबारिक जीवन की शुरुआत की। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के निर्देश पर वो राजनीति में आए और 90 के दशक में वो ब्लॉक प्रमुख भी बने। इसके बाद भदोही में जिला पंचायत के चुनाव में विजय मिश्रा की हमेशा अच्छी खासी दखल रही है। इसके साथ ही आपराधिक आरोपों के मुकदमों की संख्या भी इसी के साथ बढ़ती रही है। साल 2001 में लगभग सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से विजय मिश्रा की करीबियां बढ़ी और फिर वो सपा के ही टिकट से ज्ञानपुर से साल 2002, 2007 और 2012 का विधानसभा चुनाव जीते। 2017 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया तो फिर निषाद पार्टी से विजय मिश्रा ने ज्ञानपुर विधानसभा का यह चुनाव जीत लिया। इस बीच उनकी पत्नी रामलली मिश्रा भदोही से जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी का चुनाव भी जीती है। अब विधायक विजय मिश्रा को लोग बाहुबली कहते हैं, वो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, जबकि पुलिस उनको माफिया बताती है। अब विधायक विजय मिश्रा प्रयागराज से गायब हो गए, उनकी लोकेशन उज्जैन में मिली और आज उनको मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से गिरफ्तार किया गया। आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधीकरण के मुद्दे पर एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आइए आपको बाहुबली विजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है ये भी सुनवाते हैं। मिश्रा नाम आतंक का, विजय मिश्रा जो 70 से ज्यादा मुकदमे कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश की आरोप में, दर्जनों हत्याओं के आरोप, लोक सेवा आयोग का भ्रष्टाचारी, बलात्कारियों के जो मुकदमे दर्ज नहीं होने देते थे, ये ऐसे अपराधी हैं जो विधायक और पंचायत अध्यक्ष को एक ऐसा राजनीतिक चोले को कवच के रूप में इस्तेमाल करते थे। अपराधी गुंडे माफिया अधिकारियों को आदेश देते थे। ऐसे अतीक मुख्तार विजय मिश्रा अशरफ ये किसके चहेते हैं? योगी राज में अब कोई मुलायम सिंह हेलीकॉप्टर लेकर विजय मिश्रा को बचाने नहीं आएंगे। देखिए, अपराधियों के खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कद के हो और किसी भी पद के हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग
अपराधियों की उपयोगिता देख करके, कथित अपराधियों की उपयोगिता देख करके काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उनके समर्थन में या विरोध में। यही विजय मिश्रा जी पिछली बार जब राज्यसभा का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे चहेते विधायक थे, क्योंकि इनसे उन्हें वोट चाहिए थे राज्यसभा के लिए और उन्होंने वोट लिया। क्या तब ये अपराधी नहीं थे? तब इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? ये कार्रवाई आज ही क्यों हो रही है? ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधी और सफेद पोषों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है जो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। विजय मिश्रा आज गिरफ्तार हुए हैं, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि उनकी हत्या हो सकती है। विजय मिश्रा के खिलाफ बहुत मुकदमे हैं, आपराधिक छवि के हैं, लेकिन विजय मिश्रा कहते हैं कि हम अपराध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपराध हम अपनी सुरक्षा न करें, अपने पास इतने असलहे वाले लोग न रखें और हमारी जो छवि है वो मजबूत न रहे, तो हमारे जो राजनीतिक विरोधी, वो देखिए क्रिमिनल जो विरोधी क्रिमिनल नहीं कहते, हमारे राजनीतिक विरोधी हमारी हत्या करा देंगे। राजनीतिक विरोधी उनके है कौन? तो इन राजनीतिक पार्टियों की बातों को हमने आपको इसलिए सुनवाया क्योंकि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हर बार इसी बात को कहती हैं और हर एक पार्टी ये दावा करती है कि वो राजनीति में अपराध को कोई स्थान नहीं देती, लेकिन एक स्याह सच जिसका ये है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये जो अपराधीकरण है वो कैसे हो जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। कुमार अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुमार अशोक पांडे जी आपका बहुत स्वागत है। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत। राजेश राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। राजेश राय जी आपका भी बहुत स्वागत। और अब से कुछ देर के बाद राजपाल कश्यप जी भी हमको ज्वाइन करेंगे, समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उनसे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले कुमार अशोक पांडे जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बताएं कि जो राजनीति का जो अपराधीकरण है वो होता हुआ नजर आ रहा है, तमाम पार्टियों के अंदर बड़ी बड़ी लिस्ट हैं जो अपराधियों की हैं, या हम यूं कहें कि उनके खिलाफ न जाने कितने केस होंगे, इसके पीछे की वजह और मंशा क्या समझी जाए? आपका पहला कमेंट मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय तक, अगर आपको याद होगा, कल्याण सिंह जी की भी सरकार थी और उस समय भी कल्याण सिंह जी ने पूरी तरह से कि जो साठगांठ है, जो गठजोड़ है अधिकारी और राजनीतिक दलों का और अपराधियों का, जो गठजोड़ था उसके विरुद्ध एक अभियान चलाया था और वो एक ऐसा सफल अभियान था जिस अभियान से तमाम लोग पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया था। उसी अभियान को यो आगे चलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, अपराधी की ना जात देखी जाएगी, ना उसकी राजनीतिक दल देखा जाएगा, ना उसका रसूख देखा जाएगा, उसका अपराध देखा जाएगा और अपराध के वर्णित दंड धाराओं में जो होगा वो उसको सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो भ्रष्टाचार और अपराधी के कुमार अशोक पांडे जी, भाई देखिए, अपराध करेगा कोई, कुमार अशोक पांडे जी अपराध करेगा तो चाहे आपकी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, सरकार का तो काम ही यही है कि कोई अपराध कर रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हो कार्रवाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि 73 मुकदमे जिससे एक किसी शख्स के खिलाफ या हालिया हम जिक्र कर रहे हैं, हालिया घटना की मैं जिक्र कर रहा हूँ, कैसे कैसे बन जाते हैं? एक ट्रक चालक से कोई आदमी इतना दबंग होता हुआ, राजनीति के इतने पदों पर रहते हुए कैसे पार्टियों के अंदर प्रवेश पा जाते हैं? सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं, क्योंकि आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे हैं, ये कैसे हो जाता है? और कोई पार्टी अगर ये कह दे डंके की चोट पे कि हाँ उसका दामन बिल्कुल पूरी तरह से पाक साफ है, क्या आप कह सकते हैं? कुमार अशोक पांडे जी, फिर भी हमारे यहाँ इस चीज को देखा जरूर जाता है और अगर कोई ऐसा है और अपराध में लिप्त है तो उसके विरुद्ध वही कार्रवाई की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। समय समय पर पार्टी भी इसका स्क्रूटनी करती रहती है। मनोज मिश्रा जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात कुमार अशोक पांडे जी कह रहे हैं, या आज के दिन में क्या कोई पार्टी ये बात कह सकती है कि वो अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही या उनकी पार्टी में अपराधियों की कोई एंट्री नहीं है? क्योंकि डिबेट में या फिर चर्चा में तो ये बात जरूर कही जाती है कि हम कार्रवाई भी करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी नहीं है, लेकिन इसकी असल स्थिति क्या है और ये कैसे हो जाता है? मनोज मिश्रा जी,
आयुष जी, मुझे लगता है कि अशोक पांडे जी जो बात कह रहे हैं, इन बात में अगर 100% सच्चाई है, तो विगत 3.5 साल में 73 मुकदमे में का अपराधी की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? और देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का एक बड़ा इतिहास रहा है 90 के दशक के बाद। 90 के दशक से पहले ये जितने गुर्गे थे ये राजनीतिक नेताओं के लिए काम करते थे, उनके लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन परिस्थितियां बदली, राजनीतिक पार्टियों को सूट करना सूट के, और राजनीतिक पार्टियों ने लगभग 15-20 वर्षों में इनको नेता बनाया, इनको विधानसभा और सांसद तक पहुंचाया। लेकिन जब नजर टेढ़ी हो जाए, विजय मिश्रा जी का 2 दिन पहले का अगर आप वीडियो बयान देखें जी, तो 73 मुकदमे कैसे हो गए? इनकी गिरफ्तारी तो मुझे लगता 10-12 मुकदमे हो जानी चाहिए थी, 15 को होती, 20 को होती। एक बड़ा देखिए आपराधिक तरीके से बड़ी संपत्ति, बड़ा वर्चस्व, बड़ा नेता, बड़ा कद, और बल्कि भदोही मिर्जापुर इलाके में इनका एक बड़ा कद था। सारी पार्टियां समय समय पर जब वो दिल्ली में या प्रदेश में सरकार होती थी तो वो इनके इस्तेमाल करती थी। आज मुझे लगता है कि विजय मिश्रा जी इस्तेमाल करने के संयोग से कह लीजिए, या इनसे ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कोई दूसरा तैयार होगा, तो ये जेल के सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन मनोज मिश्रा जी, ट्रक चालक बाहुबली विधायक तक का जो सफर है वो कैसे तय कर लेता है? और ये एग्जाम्पल सिर्फ ऐसा नहीं है कि विजय मिश्रा के ऊपर सेट होता है, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल जो आपके पास भी हैं, ये हो कैसे जाता है, सवाल ये है। और आज भी क्या कुछ बदलता हुआ आपको नजर आता है मनोज मिश्रा जी? नहीं आयुष जी, दरअसल हमारे पैनल पे राजेश राय जी, और लगभग इन्होंने पूर्वांचल के काफी जिलों में काम किया पुलिस अधिकारी के रूप में, इनको पता है कि दरअसल पार्षद से, इसी लखनऊ शहर में समय था, पार्षद से विधान परिषद तक सरकार बनाने और गिराने तक का भी एक समय हुआ करता था अपराधियों का। तो एक दिन का इतिहास नहीं है ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि पहले ये इस्तेमाल होते हैं नेताओं को चुनाव जिताने में, लेकिन जब इनको एहसास होता है कि हम खुद अब चुनाव जीत सकते हैं और अपना कद इतना बड़ा करते हैं कि ये चाहे रेलवे के ठेकेदारी हो, चाहे नेशनल हाईवे का टेंडर हो, हर जगह ये दखल देते हैं, अकूत संपत्ति इकट्ठा करते हैं और विरोधियों का मर्डर भी करते हैं। इनके इनके इलाके में कोई दूसरा अपनी आंखें उड़ा सकता है? योगी सरकार 2017 में बनने के बाद जिस तरीके से प्रबंध तंत्र के बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो जेल में, मुझे लगता है उसी की एक कड़ी विजय मिश्रा भी है, जो भी बड़े अपराधी तकरीबन सारे जेल में है, और जो बच्चे खुचे लग रहे आने वाले समय वो जेल में होंगे। राजेश राय जी, आपको भी चर्चा में शामिल करते हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं, और ये जो जिस पूरे घटनाक्रम पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल इसमें दो ये हैं। एक तो ये कि एक ट्रक चालक से एक बाहुबली विधायक तक बनने तक का जो सफर है, इसके पीछे आपको क्या मंशा नजर आती है और कैसे ये ऐसा हो जाता है? और दूसरा ये कि अगर ये भी कहा जाए कि कानून अपना काम करता है, तो भाई 75 मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज हो वो बाहर कैसे घूम रहा है? राजेश राय जी, जहां तक इसकी बात है कि एक ट्रक ड्राइवर किस तरीके से बाहुबली बनता हुआ इतना बड़ा लीडर बन जाता है, तो क्या आप देखिए, ये तो आज की तारीख में अपराध की दुनिया में तो ये हो ही रहा है। अभी अभी आपने जो लेटेस्ट सिचुएशन देखी थी वो विकास दुबे की देखी थी। विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद लोगों ने ये कहा कि अगर ये इत्तेफाक से इनकाउंटर में मारा ना जाता तो ये हो सकता है कि अगले विधानसभा के बाद या उसके बाद वो मंत्री बनने वाला था, क्योंकि वही 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 बाहर उसने पकड़ा था। तो जब जब ट्रक ड्राइवर से जब उन्होंने एक आदमी ने अपराध करना शुरू किया, और अपराध करने के बाद पहले उसने पॉलिटिशियंस की मदद ली, उनकी मदद की, और जब धीरे धीरे पैसा हो गया, क्योंकि आप इस बात देखिए इस चीज को कि राजनीति में बिना पैसे के और बिना शक्ति के, चाहे वो मसल की हो, मनी की हो, माफिया की हो, ये चीज इसके बिना थोड़ा सा, अभी इधर तो थोड़ा सा जरूर चुनाव आयोग के हस्तक्षेप से थोड़ी बहुत स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन जिस समय की ये लोग हैं, जिस समय की ये खेती है, उस समय जो है वो मसल, मनी और माफिया, ये तीनों गठजोड़ बहुत जरूरी था चुनाव जीतने के लिए। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी उपयोगिता बनाई और फिर उसके बाद खुद चुनाव लड़े और अपनी उसी उपयोगिता के नाते, और इस बीच में जरायम के द्वारा, अपनी दबंगई के द्वारा, जब एक बार जरायम में नाम हो गया बड़ा, क्राइम कर लिए, मर्डर्स कर दिए, दबंगई हो गई, तो रंगदारी शुरू हो गई, और जब रंगदारी शुरू हो गई तो पैसा आ गया, जब पैसा आ गया और उसके बाद अपराध भी हो गया, तो उसके साथ राजनीतिक गठजोड़ भी हो गया।
अब आप एक चीज देखिए कि ये कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हर पार्टी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि हमको सत्ता पाना है, और सत्ता पाने के लिए हमको एक मैजिकल फिगर है जो पहुंचना है, जो जो बहुमत का जो एक आंकड़ा लकीर है उसको पार, उसको उस आंकड़े को पार करना है। तो बहुमत को के आंकड़े को पार करने के लिए हर पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत विद्वान हो, बहुत ही संस्कारी हो, बहुत अच्छा हो, बहुत ईमानदार हो, बहुत कर्मठ हो, ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें नहीं चाहिए जो बिल्कुल गुणों की खान हो और बहुत अच्छी चीजें कर सके समाज में, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसी न किसी तरीके से ये न खेद प्रकार एक सीट ले आकर के दे सके, चाहे अगर जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़े तो राजेश राय जी और मैंने आपसे पूछा था 75 मुकदमे अगर किसी के खिलाफ हों और वो उसकी गिरफ्तारी ना हो रही हो और अब जाकर के उसको वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से उसकी गिरफ्तारी हो रही हो तो क्या ये अभी भी माना जाए कि कहीं ना कहीं उसका जो रसूख है या जो संरक्षण है उसका बेजा इस्तेमाल या उसका इस्तेमाल करते हुए वो बचता हुआ नजर आ रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर मौजूदा दौर में और पिछले दौर में अंतर क्या नजर आता है? राजेश राय जी, आप देखिए रसूख तो है ही है, अब तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि जो जैसे ये बताया गया कि ये भी पहले उज्जैन गया और फिर भोपाल गया या मध्य प्रदेश, तो ये तो लग रहा है जैसे कि मध्य प्रदेश जो है वो एक बढ़िया अच्छा अभयारण्य बन रहा है जहां जा जा करके लोग अपने को सुरक्षित महसूस करा रहे हैं। और रसूख तो है ही है, संपर्क और संबंध तो है ही है, और ये जो 70-73 मुकदमों के बाद बाहर है, ये गठजोड़ कहीं न कहीं जो ये पैसे का गठजोड़ है वो केवल अपराध राजनीति और यहीं तक नहीं है, ये गठजोड़ कई बार पुलिस का भी होता है, और कई बार आप ये देखिए तो ये जो भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार की नदी है, और ये जो गठजोड़ की नदी है भ्रष्टाचार के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को भी नहीं छोड़ती है। और वहां भी तो ये कहा जाता है ना कि गवाही चाहिए, गवाही नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, कानून तो अंधा है, और वो जो कानून अंधा है वो अपना काम करता है, गवाही कोई देता नहीं इनके खिलाफ, और ये 70 मुकदमे हो चाहे 80 मुकदमे हो चाहे। चलिए आप कुमार अशोक पांडे जी आपके पास आ जाता हूं मैं वापस। कुमार अशोक पांडे जी ये बताइए, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि आप भाई कार्रवाई करते हैं और आपके यहां तो कम से कम पार्टी वेट डिफरेंस है, जो उन पार्टियों में होता वो आपके यहां नहीं होता, तो फिर ये बता दीजिए कि 75 मुकदमे दर्ज थे भाई, गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए आप लोग, और क्या पैमाना है कितने मुकदमे हो तो गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए 70 मुकदमे जो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, यहां सारे धनमान मूर्धन्य लोग बैठे हैं सारे विद्वानों के बीच में, 70 मुकदमे जो इसके ऊपर थे इसमें अधिकांश मुकदमों पर ये जमानत पर चल रहे हैं, और जो न्यायिक प्रक्रिया है यह उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बहुत जटिल है, और पुलिस का भी कहीं ना कहीं ऐसा गठजोड़ है। राजेश राय जी बहुत बड़े और अच्छे कप्तान साबित रहे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जानते होंगे कि आईपीएस अधिकारियों की बात मैंने लेकिन जो नीचे तौर पर जो पुलिस सेवा है उसके भी लोग कहीं ना कहीं इनसे मिले रहते हैं, जिसकी वजह से ये जमानत लेने में बहुत आसानी से कामयाब हो जाते हैं। यही कारण रहा कि योगी जी ने एकदम पूरी तरह से लोगों के एनकाउंटर पे ज्यादा जोर दिया। जब अपराधी की सफाई करनी है हमें पूरी तरह सफाई चाहिए, और वो जिस प्रकार से भी होता हो वो सफाई हमको मिलनी चाहिए, उसमें तमाम बातें उठ रही हैं। आज अगर एनकाउंटर हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा सवाल विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष के पेट में जो मरोड़ हो रही है उससे हमें बहुत चिंता है कि उनको वो इस बात पे सवाल उठा सकते हैं कि प्रक्रिया गलत है, किसी प्रक्रिया पे आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन आप पूरे पूरे एनकाउंटर में प्रश्न उठाना ये कहीं ना कहीं अपराधी को संरक्षण देता है और अपराधी के मनोबल को ऊंचा करता है। इससे हमने कई बार पहले भी डिबेट्स में कहा है कि विपक्ष को भी चाहिए कि वो इन प्रवृत्तियों से बचे, इससे अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता है, उनको लगता है कि उनकी लड़ाई चैनलों पे लड़ी जा रही है। विपक्ष उनके लेकिन साथ कुमार अशोक पांडे जी भाई विपक्ष का राज कब तक ला पाएंगे? 3.5 साल तो अब आपने प्रदेश के अंदर बिता लिया, और जिस प्रशासनिक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं उस प्रशासनिक व्यवस्था को भी तो सही करना आपका ही काम है ना।
और अगर उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी लूपहोल्स हैं और तमाम घटनाक्रमों में अगर ये बात बार बार खुलकर सामने आ रही है और उस वजह से अगर ये अपराधी इस तरीके के अगर बाहर घूमते रहें, 73-73 जब मुकदमे किसी के खिलाफ होते रहें और वो फिर भी घूमता रहे, तो फिर विफलता तो आपकी कही जाएगी ना कुमार अशोक पांडे जी। 70 मुकदमों में इनकी जमानत पहले से मंजूर थी हमारी सरकार आने से पहले। ये जो मुकदमे में जेल गए हैं इन्हीं के भतीजे की बहू ने मकान पे कब्जा करने और जबरदस्ती उसकी संपत्ति का अपने बेटे के नाम वसीयत करवाने के एफआईआर में ये आज जेल गए हैं। ऐसा ही एक धमकी देने के प्रकरण में धनंजय सिंह इसके पहले जेल जा चुके हैं, उन्होंने भी धमकी दिया था, किसी से वसूली किया था, उनके ऊपर भी 69 मुकदमे थे लेकिन सब में वो जमानत में चल रहे थे। तो मजबूरी प्रशासन के सामने भी रहती है कि जो जमानत में चल रहे हैं न्याय प्रक्रिया उसमें आड़े आती है, कैसे उनकी गिरफ्तारी की जाए। मनोज मिश्रा जी, इन सब के साथ चलिए मनोज मिश्रा जी, सहयोग चाहिए कि समाज को साफ सुथरा मिलना चाहिए। ठीक है, समाज को तो साथ मिलना चाहिए लेकिन भाई जिम्मेदारी जिसकी ज्यादा है सवाल उससे ज्यादा होते हैं और आप तो यही कह के आए सत्ता के अंदर कि आपके यहाँ सारी स्थितियां बेहतर होंगी और अगर फिर भी इस तरीके की घटनाएं होंगी तो सवाल आप लोगों से होंगे। लेकिन मनोज मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं कुमार अशोक पांडे जी, कैसे इत्तेफाक रखते हैं और जो ये बात कह देते हैं बार बार कि देखिए पहले से ये होता था हमारे समय में, तो अब देखिए हम अंदर कर रहे हैं इनको और 70 पे तो वो पहले ही जमानत पे बाहर चल रहे थे, अब तो 73 है तो 3 ही बचे, इनके समय में तो 3 ही है। मनोज मिश्रा जी, आयुष जी दरअसल खादी खाकी मनी और अपराध का प्रदेश में एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। बार बार जो सवाल उठता, मैं 90 के दशक की बात इसलिए करता हूं कि सरकारें बनने बिगड़ने और उनके वोट के लिए विधान परिषद से लेकर राज्यसभा के चुनाव के दौरान में इन माफियाओं का, इन अपराधियों का राजनीतिक पार्टियां संरक्षण इनको देती, इनके बदले वोट लेती और सरकारें बनाती बिगाड़ती रही हैं। और जब आप इनसे मदद लेंगे तो आप इनके बदले में इनकी मदद करेंगे, चाहे वो पुलिस अधिकारियों के जरिए हो, चाहे वो जुडिशियल कचहरी में जाने से पहले उन देखे होता क्या है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, जांच के बाद जब मुकदमा ट्रायल पर आता है तो अधिकतर लोग साक्ष्य के दौरान या तो मार दिए जाते हैं या डर के मारे कोर्ट नहीं पहुंचते हैं। देखिए विजय मिश्रा हुए या बाकी और बहुत सारे ऐसे अपराधी प्रदेश में हैं जो माननीय बने, माननीय बनने के बाद उन पार्टियों की शोभा बढ़ा रहे हैं और आयुष जी आया राम गया राम के चक्कर में, सरकार बनाने के चक्कर में पार्टियां चुनाव के दौरान में सिर्फ ये देखती हैं कि किसकी वजह से हमारे कितने कैंडिडेट जीतेंगे। पूर्वांचल में मैं फिर कह दूं कि इन सब ऐसे बहुत सारे नेता आपको मिलेंगे जो क्षेत्रीय स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर इनका बड़ा कद रहा है लेकिन बदली परिस्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 से केंद्र में, 2017 प्रदेश में, कम से कम लखनऊ में बैठे हुए जो प्रमुख हो, चाहे नेता हो चाहे प्रमुख अधिकारी हो, इनकी ना तो मनसा है ना इनका इरादा है कि ये उनको संरक्षण दे। अब रही बात ट्रायल बेस पर, तो ट्रायल बेस पर चीजें तय करनी है कोर्ट को, वहां के स्थानीय लोगों को। बढ़ते अपराध में मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि बढ़ते अपराध में विधायक सांसद बनने से पहले अगर इनको प्रथम दृष्टया ही ये कस्टडी में चले जाएं, जेल में चले जाएं, और आयुष जी यहीं तक नहीं रुकते हैं, ये जब बड़े नेताओं से संरक्षण ले लेते हैं तो अपने विरोधियों की हत्याएं भी लगातार विसंगत परिस्थितियों में कराते रहते हैं और लचर व्यवस्था से, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम इतना टफ है कि वहां पे साक्ष्य के आधार पर ये छूट जाते हैं, मुकदमों की फेरिस्त लंबी होती चली जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रदेश के और प्रदेश के बाहर की जेलों में विधायक और, चलिए मनोज जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजपाल कश्यप जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमएलसी समाजवादी पार्टी के। राजपाल कश्यप जी बहुत स्वागत आपका। अब इस वक्त जो मौजूदा घटनाक्रम है राजपाल कश्यप जी, अपराधीकरण और राजनीति का जो चोली दामन का साथ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जो राजनीति का अपराधीकरण होता हुआ नजर आ रहा है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए राजनीति का अपराधीकरण जो बीजेपी कहती थी कि हम अपने को बड़ी पवित्र पार्टी बताती थी, लेकिन आज बताइए सबसे ज्यादा बीजेपी में ही संरक्षित अपराध है और संरक्षण पाने वाले लोग बीजेपी, और ये सत्ता पक्ष को पहल करनी चाहिए।
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो पहल की थी 2017 में, टिकट ही नहीं दिया था, कई लोगों को टिकट काट दिए थे, कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनके टिकट ही काट दिया, भले को वो लोग जीत के आ गए हो न जीत आ गए हो लेकिन उन्होंने अपराधियों को टिकट नहीं दिया। और 2012 में भी उन्होंने अपराधियों को टिकट नहीं दिया था और अभी भी उन्होंने बयान दिया कि हम आगे भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देंगे। ये पहल जब विपक्ष भी कर रहा है तो सत्ता पक्ष को करनी चाहिए, अपने यहाँ जितने भी अपराधी हैं और उनको निकाल के बाहर करना चाहिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं और जो रिपोर्ट दाखिल है उसमें सबसे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले। लेकिन राजपाल कश्यप जी, ट्रक ड्राइवर से बाहुबली विधायक बनने तक का सफर सिर्फ ऐसा नहीं कि 3.5 साल में पूरा हो गया है, उसके पहले आपकी सरकार भी रही और आप लोगों के टिकट पर तो भाई वो चुनाव लड़ करके भी जीतता रहा और आज आप कह रहे हैं कि इनको करना चाहिए। क्या आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह से वो आदमी नहीं जीता? आप ये बताइए मुझे, 17 में तो नहीं दिया लेकिन उससे पहले ही बाहुबली तो बन गया था ना वो, और बीज तो बो दिया था आप लोगों ने। भाई अगर आप ये कहते हैं राजपाल कश्यप जी, अगर आप ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण नहीं करती है तो पहले क्यों दिया टिकट विजय मिश्रा को बैठा के लाए कि नहीं? समाजवादी पार्टी कतई नहीं करती है और ये जो बीजेपी है बीजेपी से क्यों नहीं आप सवाल पूछते हैं कि है बीजेपी से क्यों नहीं आप सवाल पूछते हैं कि जो अपराधियों की सूची जारी करें और वो तो आंकड़े आ गए उनको कब बाहर करेंगे? हमारी पार्टी तो नहीं है ना, और हमारी पार्टी ने अपराधियों को टिकट भी नहीं दिया, हमारे नेता ने टिकट नहीं दिया, भले को सरकार हमारी चली गई लेकिन अपराधियों को टिकट नहीं दिया। कितने बाहुबली लोग थे जो जीत सकते थे लेकिन नहीं दिया, लेकिन बीजेपी जब भी पहल हो तो पहल तो होनी चाहिए। और हमारे लेकिन अभी थोड़े दिन पहले कुमार पांडे करके लेकिन ड्राइवर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधायक बनने तक की है नहीं है तो उस बीच में एक टाइम फ्रेम ऐसा भी आता है, उस बीच में एक टाइम फ्रेम राजपाल कश्यप जी ऐसा भी आता है जब आपने भी संरक्षण दिया, सवाल तो है उनके लिए लेकिन बीच में संरक्षण तो आपका भी था। हमारी सरकार ने कोई संरक्षण नहीं दिया, हमारे नहीं हमारे नेता ने कभी संरक्षण नहीं दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। और दूसरी बात ये है कि ये बीजेपी में सबसे बड़े बड़े अपराधी बड़े बड़े उनको कब निकालेंगे सूची जारी कर देना सभी। और कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो सरकार में ही मुकदमा वापस हुआ जा रहा है उनका, ऊपर से टॉप से लीजिए मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके सारे लोगों का। तो ये बताइए अपराधी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, महिलाओं में टॉप पे है उत्तर प्रदेश जहां अपराध महिलाओं के साथ हो रहा है, जहां बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले रहा हूं अशोक पांडे जी, बहुत जल्दी से चलिए जवाब दें। और अभी आप कह रहे थे कि आप लोगों की पार्टी भाई इनसे अलग है लेकिन अब ये तो आंकड़े लेके बैठे हैं, कह रहे हैं आप क्या, तो आपको सूची जारी करनी चाहिए। और यह आरोप आज नहीं बहुत पहले से विपक्ष लगा रहा है कि आप लोगों के पास पता नहीं ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है जिसमें लोग नहा लेते हैं या जो भूल जाते हैं उनके अपराध एक तरफ हो जाते हैं। तो यह आरोप बहुत पुराना है विपक्ष का और आज फिर वही निकला है और ये कहा जा रहा है कि भाई लिस्ट जारी कर दे कितने बाहुबली और कितने आरोपी विधायक हैं आपके यहाँ। मुलायम सिंह यादव ने किया, मुलायम सिंह यादव ने शिक्षा में माफिया पैदा किया। आज अगर आप इटावा चले जाए समाजवादी पार्टियों के जो इनके यादव समुदाय के इनके परिवार के लोग हैं, एक नहीं 100-100 विद्यालय हैं, 100-100 विद्यालय, और इन्होंने शिक्षा में माफिया पैदा किया, इन्होंने कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटिव में माफिया पैदा किया। आज तक जिस दिन से कॉपरेटिव संस्था बनी है पहली बार योगी आदित्यनाथ जी ने उस कॉपरेटिव को तोड़ करके वहां पर आज लोकतंत्र पैदा किया, वरना कॉपरेटिव पर इनका अभेद कब्जा था जो विगत इतने वर्षों से। चलिए कुमार अशोक पांडे जी, बहुत सीधा सा सवाल जवाब दीजिए, पूरे तौर राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? कुमार अशोक पांडे जी बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कुमार अशोक पांडे जी, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए आपने क्या कर दिया?
और कितने ऐसे लोग हैं या कितने ऐसे माननीय हैं जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई की है? ये आपने टिकट नहीं दिया कुमार अशोक पांडे जी, ये जवाब दे दे। इसलिए मुझे कहने में कहीं नहीं कुमार अशोक पांडे जी, देखिए पहले देखिए कुमार अशोक पांडे जी, जैसे ही कुमार अशोक पांडे जी, कुमार अशोक पांडे जी, कुमार अशोक पांडे जी की आप सुन पा रहे हैं? कुमार अशोक पांडे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? विकास के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण करने लगे। कुमार अशोक पांडे जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ठाकुर ठाकुर करने लगे। अगर पुष्पेंद्र यादव के ऊपर शिकंजा कसा तो यादव खतरे में आ गया। कुमार अशोक पांडे जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बहुत सीधा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अपराधीकरण को रोकने के लिए आपने क्या किया, और क्या आप ये कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप क्या एक भी आप जो पार्टी के अंदर लोग हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं है, उनका अपराध से कोई लेना देना नहीं? आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए राजपाल कच्छप जी को। वो तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा आपकी पार्टी में, वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा आपकी पार्टी में, और आप जवाब दीजिए इसका कि आपकी पार्टी में नहीं है, और नहीं है तो उसका आधार भी रखिए। या भागने की प्रक्रिया में बस के पुलिस से बस के भागने में मारे गए हैं, तो जो भी किसी प्रकार से भी बचने का प्रयास करेगा, अगर न्याय व्यवस्था है, लोग तख्ती अपने गले में टांग करके और आज जेलों में जा रहे हैं, पुलिस के पास तख्ती टांग के जा रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर लो, हम जो है फला 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 मेरा नाम है। तो ये जो आज भय है वो योगी आदित्यनाथ का भय है। योगी ना तो जात से कहीं किसी व्यवस्था में प्रभावित होने वाले हैं और ना ही धन से प्रभावित होने वाले हैं। तो माफियाओं के राज्य को तोड़ने के लिए हमने कार्य किया। अभी एक आरोप लगाया इन्होंने कि हमारी पार्टी से है, ये निषाद पार्टी से जीत करके आए हैं और ये निर्दलीय विधायक हैं, इनकी पत्नी पंचायत सदस्य भी निर्दलीय हैं। तो ये माफियाओं का राज्य है। भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार का कोई लेना देना मिश्रा जी से नहीं है। राजेश राय जी, क्योंकि नेक्सस तो है भाई अपराध का भी और राजनीति का भी, लेकिन दोनों ही पार्टियां ये कह रही कि एक कह रही कि मैं टिकट नहीं देता, दूसरा ये कह रही कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं, लेकिन क्या ये नेक्सस टूटता हुआ आपको नजर आया है? आयु जी चलिए, राजेश राय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। राजपाल कश्यप जी इनसे पूछिए निषाद पार्टी का पैक्ट किसे है। हां इनसे पूछिए निषाद पार्टी के सांसद इनके टिकट से हुए हैं, इनका पैक्ट किसे है, निषाद पार्टी का पैक्ट किसे है? कुमार अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। कुमार अशोक पांडे जी, कि आप मुझे सुन पा रहे हो? और अगर सुन पा रहे हो तो जवाब दीजिए भाई, निषाद पार्टी का किससे संबंध है? चलिए मनोज मिश्रा जी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मुझे मेरी आवाज पहुंच रही है। आपसे सवाल था कि निषाद पार्टी किसमें है, आप ही साथ तो है हमारे साथ, निषाद पार्टी के समर्थन हमारे साथ है तो मनोज मिश्रा जी। देखिए निषाद पार्टी का मैं आयुष जी जी कुमार अशोक पांडे का एक व्यक्ति का समर्थन हमारे साथ है और वो अपनी स्वेच्छा समर्थन दे रहे हैं। हमारे पास प्रदेश में 326 सीटें हैं जो अपने आप में इतिहास है, तो 326 हम जीतने के बाद हमें किसी समर्थन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई दे रहा है तो समर्थन दे, हम किसी को मना नहीं कर रहे, लोकतंत्र में व्यवस्था है कि आप दीजिए समर्थन हमें। लेकिन हमारा निषाद पार्टी से या इन विजय मिश्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेने देना, कोई सरोकार नहीं है। जहां तक अभी हमारे कश्यप साहब कह रहे थे, समाजवादी प्रवक्ता राज्यपाल कश्यप साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो ये बताए कि क्या इनके जमाने में FIR लिखी जाती थी? FIR के लिए लोग मंत्रियों तक चक्कर काटते थे, FIR नहीं लिखी जाती थी, लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, उसके लिए लोग अखिलेश जी के पास जाते थे, मुलायम सिंह के पास जाते थे। वो समय भूल गए आप? आज योगी आदित्यनाथ जी ने ऑनलाइन व्यवस्था चलाई है, ऑनलाइन अपने घर में बैठ करके आप अपराधी के विरुद्ध अपना पंजीकरण करा सकते हैं, अपराध पंजीकृत हो रहा है, उस पर जांच हो रही है, लोग जेल भेजे जा रहे हैं। आज की व्यवस्था में जो बालू माफिया, भूमि माफिया, धन माफिया, शिक्षा माफिया, ये कौन लाया? राजपाल कश्यप जी जवाब दीजिए। पैसे वाले कैसे बने? चलिए चलिए राजपाल जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। राजपाल कश्यप जी इन्होंने बालू पे कब्जा किया, ठीक है, मोरक पे कब्जा किया, ठीक है, लोगों पे कब्जा किया, ठीक है, और ये कब्जा करवाने वाले कौन है जरा बताइए। ठीक है राजपाल कश्यप जी, एक तो आयु जी इनकी आवाज नहीं साफ आ रही, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, राजपाल जी कह रहे हैं भाई शिक्षा माफिया आपने खड़ा किया, बालू माफिया आपने खड़ा किया, ये माफिया टाइप के लोग आपने खड़े किए, और जो फसल बो के गए उसको काट ये लोग रहे हैं। अब
उनका सीधा सा आरोप ये है कि भाई बीज आप लोगों ने बोया। राजपाल जी, ना कोई शिक्षा माफिया खड़ा किया, इनके इनके यहाँ तो ऐसे से माफिया खड़े हो रहे हैं और ये ऐसी टेक्निक से व्यवस्थित तरीके से माफिया खड़ी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार इतनी व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। आज कोरोना चल रहा है, जो महामारी है उसमें भी भ्रष्टाचार में बीजेपी लिप्त है, इनके नेता इनके अधिकारी लिप्त है। इलाज नहीं मिल पा रहा, कितने लोग मर रहे हैं, कितने कैंसर से, कितने लीवर से। अब राजपाल जी देखिए, अब आप कोरोना पे चले गए, आप भ्रष्टाचार पे चले गए। बात यहाँ हो रही है कि राजनीति के अपराधीकरण के भाई काले सच को कैसे देखा और समझा जाए और कौन इनको संरक्षण दे रहा है, और आप कोरोना पे और भ्रष्टाचार पे चले गए। मुझे बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी पार्टी में नहीं रहे? मेरा सवाल बार बार यही है भाई, आपकी पार्टी में भी रहे, इनकी पार्टी में भी, ये संरक्षण क्यों होता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? सवाल सीधा सही है, और ये कब बंद होगा? मैं ये कह रहा हूं अब इनके खिलाफ जो आवाज बोल दे वो माफिया हो जाएगा, बीजेपी के खिलाफ जो पत्रकार बोल दे वो उसके ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, जो कोरोना में कई लोगों ने दिखा दिया सच्चाई उनके ऊपर मुकदमा लिख गया, किसी ने खाने की दाल दिखा दी तो उसके ऊपर मुकदमा लिख गया। और अब पत्रकार से लेके कोई अंग सुरक्षित है? जो जुबान बोले या तो उसको गोली से मार दिया जाएगा। गाजियाबाद में क्या हुआ, अपनी भांजी के लिए गया थाने में FIR लिखाने, अब पत्रकार को मार दिया गया। आज बताइए वो लड़की छेड़खानी से जो यूनिवर्सिटी और जूते पे दाल खाने को जनता मजबूर थी, सफाई दे रहे हैं, अपने समय को याद करिए, गोरखपुर में जनता भूली हुई हो गया और मार दिया गया, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, कानपुर में अपहरण हो गया, पुलिस चलिए सरकार ने फिरौती दी। राजेश जी, फिरौती राजेश राय जी, राजपाल जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए मैं सवाल से बात सत्ता और अपराधीकरण पर केंद्रित रखना चाहता हूँ। ये आरोप प्रत्यारोप को बहुत मौका मिलेगा। राजपाल कश्यप जी, हर दिन चर्चा होती है और हर दिन इस तरीके के आरोप रहते हैं इनके लिए, ठीक है? किसी और दिन चर्चा में थोड़े आरोप लगा लीजिएगा, आज थोड़ा अपराधीकरण पर रहते हैं। राजेश राय जी, क्योंकि नेक्सस का इससे पहले जिक्र हो रहा था, दोनों पार्टियां यहां पर बैठी हुई हैं, क्योंकि एक इससे पहले शासन कर रही थी, एक अभी मौजूदा दौर शासन में है। लेकिन क्या राजेश राय जी आपको ये लग रहा है कि जो राजनीति का अपराधीकरण है वो कम हुआ है, या उसमें कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, या फिर जिसको जितना सूट कर रहा है वो उस हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है? अभी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो? राजेश जी, परिवर्तन तो दिखा है, परिवर्तन केवल जो सबसे बड़ा परिवर्तन दिखा है वो इस रूप में दिखा है, ऐसा एक जो है दिखाई पड़ती है। बात ये कि जो और तमाम चीजें जो हो आप उस पर जो भी टिप्पणी करें, लेकिन अपराध के बिंदु पर कम से कम ये दिखाई पड़ता है कि अगर कोई अपराध कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में काफी त्वरित रूप से पुलिस और फोर्स सब लगती है, उनको राजनीतिक मदद मिलने की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। अगर कहीं होगा, लुके छुपे होगा, तो उसका पता नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से बहुत सी सरकारों में बड़ा अपेरेंटली होता था कि जो राजनीतिक अपराधी होते तो उनको संरक्षण मिलता था, तो वो जो संरक्षण की बात है कि थाने से जाके मुलजिम छुड़ा लें, या जो अपने अपराधी हैं उनको अपने घर पे बुला लें और इस तरह की चीजें हो, वो राजनीतिक संरक्षण अभी उसमें कमी आई है, वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो चीजें हैं वो उसमें, जहां तक गठजोड़ की बात है, जहां जिसको जहां जरूरत पड़ रही है वो लोग अपना उसका प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम एक पर्दा तो है, एक पर्देदारी है। ऐसा है कि ये जो एक बिल्कुल ऑब्वियस रहता था, खुलेआम होता था, खुलेआम नहीं हो रहा, कहीं हो भी रहा होगा तो पर्दे के पीछे होगा, जिसका कम से कम पब्लिक को पता नहीं लग रहा है। मनोज मिश्रा जी, क्या पर्देदारी है आपको लग रहा है कि पर्दा तो कम से कम है अगर हम तुलना करते हैं, लेकिन फिर भी ये अभी हम कह नहीं सकते हैं कि जो अपराधीकरण है उसका जो संरक्षण है वो राजनीति से खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से? मनोज जी, नहीं, आयुष जी, मुझे लगता है राजपाल जी जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं की चर्चा कर रहे थे, हम लोग बहस कर रहे हैं इन, चाहे विजय मिश्रा हो या पूर्वांचल में अपराधीकरण, अपराधियों, इनका राजनीतिकरण और इनका बड़े पैमाने पर माफिया होना, इस बात को आयुष जी बड़ी जिम्मेदारी से कहा जा सकता है कि संरक्षण अपराध को नहीं मिल रहा, इसलिए प्रबंध तंत्र या तो जेल में है या तो जेल जाने की कगार में है। पहले क्या होता था, या पहले परिस्थितियां इस तरीके से होती थी कि नेता अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए इन माफियाओं के सामने घुटने टेके हुए थे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बस्ती से लेकर के गोरखपुर, बनारस, गाजीपुर,
जौनपुर, भदोही, ये एक, एक, एक बड़े बड़े और ये सारे लोग आज के डेट में किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कई बार विधायक और सांसद रहे, लेकिन इसमें से बड़े हद तक 70-80% लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, प्रदेश में या प्रदेश से बाहर। लेकिन दूसरी चीज आयुष जी, जो चर्चा देखिए, एसटीएफ का गठन भी पूर्वांचल के बड़े माफिया के अपराध के उसमें हुआ था, और एक कड़ी एक चेन की बात होती है। जरूर राजपाल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अखिलेश जी बराबर ये कोशिश करते रहे कि चाहे वो अफजाल अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, इनसे दूरी बनाए रहे, और यही वजह रही कि पार्टी के अंदर उनको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन 2017 के बाद में बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि योगी जी अपराधियों की संरक्षण नहीं देना चाहते, ना ही उनकी देने की कोई मंशा है। इसीलिए बड़े अपराधी या राजनीतिक अपराधी या ये कैसे कह लीजिए कि जो बड़े लोग थे, चाहे वो सांसद थे, माननीय थे, वो जेलों के पीछे। दूसरी बात आयुष जी, जिन विजय मिश्रा पे हम बार बार आज चर्चा कर रहे हैं, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था में इन है, वरना 70 मुकदमों में अगर इनकी बेल हो जाती है जिस तरीके अशोक जी कह रहे हैं, और 3 मुकदमों में जेल चले जाते हैं, तो बेहतर तो फिर अभी शासन चल रहा है। 70 मुकदमे बहुत होते हैं आपको किसी को जेल भेजने के लिए और उसकी बेल नहीं करने के लिए। जी बिल्कुल, राजपाल जी आप जवाब दीजिए। भाई देखिए, ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि कुमार अशोक पांडे जी की बात से आपका इत्तेफाक ना हो, क्योंकि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, विरोधी आपके, लेकिन एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, एक वरिष्ठ पत्रकार भी अगर इस बात का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए इस बात को कह रहे हो कि हाँ निश्चित तौर पर अब कम हुआ है और कमी आई है, और इसका नतीजा यह है कि बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे हैं या वहां पहुंचने की कगार पर हैं, और जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, तो भाई ये तो आपसे बेहतर स्थिति में हुए, और आप आरोप लगा रहे हैं कि यह संरक्षण दे रहे हैं। राजपाल कश्यप जी, नहीं देखिए, ना मेरे आंकड़े, ना मेरे आंकड़े मानिए, ना विपक्ष के आंकड़े मानिए, ना सत्ता पक्ष के आंकड़े मानिए, सरकारी अभी के आंकड़े है। ये 2018 में 585,000 मुकदमे दर्ज हुए, यहाँ पे अपराध हुए हैं बड़े बड़े, अब महिलाओं के खिलाफ यूपी में टॉप पे है, 3,976 बलात्कार हुए 2018 के आंकड़े, और 2017 में 93 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, 2018 में 70 पुलिसकर्मी शहीद, और 2018 में ही 4,018 हत्याएं थी, और किडनैपिंग 21,000 हुई है 2018। राजपाल कश्यप जी देखिए, ये एनसीआरबी के आंकड़े सबके पास हैं, और यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं कम से कम उनको तो इसकी जानकारी है। मुझे ये बताइए कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश जी, जो कि आपके समय में भी काम करते रहे, दूसरे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कितने नजदीक से, और पूर्वांचल को तो बहुत नजदीक से उन्होंने देखा हुआ है, वो जब इस बात का जिक्र करें और ये कहें कि अगर तुलना आप कर लेते हैं तो भाई अभी जो स्थिति है वो बेहतर नजर आती है, तो फिर आरोप किस आधार पर लगा देते हैं आप लोग? संरक्षण तो आप लोगों ने भी दिया ना, मेरा बेसिक सवाल ही वहीं से शुरू हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, भाई सब पार्टियां हैं, लेकिन सवाल आपके लिए भी होगा, संरक्षण आप लोगों ने भी दिया, आज आरोप लगा रहे हैं क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं। राजपाल कश्यप जी, मेरी बात सुनिए, ऐसा है परसेप्शन बदला गया, अभी तक जो घटना होती थी ये छोटी घटना होती थी, उसको टीवी पे लगा के माननीय अखिलेश यादव जी का चित्र लगा के, और इसी बार लोग मानते थे, कहते थे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, सुप्रीम कोर्ट दो दो का चुका है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, लेकिन किसी टीवी वाले की हैसियत नहीं हुई, वो चलाए उत्तर प्रदेश में योगी राज में जंगल राज है, अभी एफ आई आर लिख जाएगी, अभी यह बंद हो जाएगा, अभी टीवी वाला के खिलाफ एफ आई आर लिख जाएगी, एंकर के खिलाफ एफ आई आर लिख दी जाएगी, या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आज ये दादागिरी है, इसलिए लग रहा है आंकड़े ये बता रहे हैं, हमारे आंकड़े नहीं, समाजवादी पार्टी के आंकड़े नहीं है, और परसेप्शन टीवी पर आता है, टीवी ने परसेप्शन बना दिया, आज चाहे कितनी बड़ी महामारी हो लेकिन टीवी जो चलाएगा वही लोगों को समझ जाएगा। टीवी आप तो पत्ते को नीचे बहस करा रहे हो, कितने टीवी चैनल वाले हैं पता नहीं कौन से, तो यहाँ लोग नंगे भूखे मर रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, बेरोजगारी चल रही, हत्याएं, लूट, डकैती, लोग चल गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन टीवी पता नहीं क्या क्या चला रहा, तो ये परसेप्शन कहीं कहीं ऊपर से राजपाल कश्यप जी, ये जो जानकारियां आपको मिल रही हैं ये भी टीवी चैनल के माध्यम से ही मिल रही हैं, इसलिए बड़ा आसान होता है। मैं बहुत बार इस चर्चा का और इस सारे विषयों पर विरोध कर चुका हूं, इसलिए अब मैं विरोध करना भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये जो जानकारी आप तक पहुंच रही है इसका माध्यम भी हम ही लोग हैं,
और अगर आप नहीं देखते हैं तो दिन भर देखिए इंडिया न्यूज पर हम लोग क्या चलाते हैं, कहां पर क्या आंकड़े हैं, कहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, उनका भी जिक्र होता है। और दो दिन पहले ही चर्चा हम लोग इस विषय पर भी कर चुके हैं कि भाई प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है, इसलिए इन सारी स्थितियों में मत जाइए, आज का जो मुद्दा है आप उस पर रहिए। इसलिए मैं बार बार आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि भाई अपराधीकरण क्यों हो रहा है, इसका संरक्षण क्यों नहीं रुक रहा, सवाल बस ये है, आप इस पर जवाब दीजिए, आज चर्चा का विषय ये है ना। चलिए ठीक है, और अगर आपको आरोप लगाना है तो आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म है, आप लगाते रहिए, ये बड़ा आसान काम है। कुमार अशोक पांडे जी क्या कहना चाह रहे हैं? आयुष जी मैं सबसे बड़ी बात तो कहना चाहूंगा कि प्रयास सब शुरुआत में प्रारंभ में इन लोगों ने यहां तक कहा कि जो ये कोरोना है ये मोदी लेकर के आए हैं, योगी लेके कोरोना आए हैं, कोरोना कुछ नहीं है। मैं सिर्फ दो सवाल करना चाहूंगा कि दृढ़ इच्छा शक्ति योगी जी की अपराधियों के प्रति और उनकी प्रतिबद्धता के मैं तीन उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण कि 1477 सिपाही बर्खास्त किए गए, 354 दरोगा बर्खास्त किए गए, 9 डिप्टी एसपी बर्खास्त किए गए और 100 से ज्यादा डिप्टी एसपी अन्य जिलों में अभी तक किए जा चुके हैं। यह उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है कि वो अपराधी और अपराध के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वो उनको बख्शेंगे नहीं और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति दिख रही है। अब जहां तक जमीनों की बात है, भूमाफियाओं की बात है, तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप और हाईटेक सिटी ये कौन लेके आया? इसमें जितने बिल्डर्स हैं जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई अपने जेबों में रखी, आज जो लोग दर दर भटक रहे हैं वो बिल्डर किसके हैं, किसके पैदा किए हुए हैं? ये भी जरा आप राज्यपाल कश्यप जी, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है कि आप उसके ऊपर भी देखें कि आज जनता कितना परेशान है। उनकी गाड़ी कमाई फ्लैट के रूप में वो ले जाके अपने घर में ऐश कर रहे हैं, कुछ लोग यहां से भाग गए हैं। मैं एक नाम नहीं अनेक नाम है। आज मैं चैलेंज से आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर कोई एक मामला बताएं उत्तर प्रदेश में जो अपराध हुआ हो और वो अपराध खोला ना गया हो, मैं एक मामला आपसे पूछ रहा हूं पूरे तौर से। दूसरा, कोई ऐसा मंत्री बताएं जो किसी अपराधी के साथ संयुक्त हो और किसी अपराधी की सिफारिश करता हो। तीसरी बार, मैं इस एसआईटी का गठन किसने किया? एसआईटी का गठन योगी आदित्यनाथ ने किया। तीसरी बार, कि संगठित अपराध में आज 89% कमी आना ये अपने आप में दिखाता है कि आज माफिया करण को पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ। चलिए कुमार अशोक पांडे जी, आपके बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब राज्यपाल कश्यप जी देंगे, लेकिन एक सवाल मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी भाई क्या डर गए हैं क्या, और इस वजह से जो कहना चाहिए वो कह नहीं पाते हैं हम लोग, और ये बड़ा आसान भी है। नहीं नहीं आयुष, हम लोग आदि हो गए, विगत इधर एक नई परंपरा डेवलप हो गई है, पक्ष और विपक्ष जो है जब सवालों का समुचित जवाब नहीं होता है तो टीवी चैनल और मीडिया बैठे पत्रकारों पर सवाल करता है। लेकिन आयुष जो सवाल के जवाब मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि राजेश राज जी वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने देखा होगा और इनको पता भी है कि जवाहर यादव पंडित की हत्या हो गई, चाहे वो राजूपाल की हत्या हो गई, चाहे किशनानंद राय की हत्या हो गई। दरअसल ये जो आपराधिक माफिया कह सकते हैं या अपराध के लोग जो राजनीति में आए, इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को जिंदा भी नहीं रहने दिया। अगर गलती से चुनाव जीत गया तो उस पर चर्चा बड़ी लंबी है और सारी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बदली हुई परिस्थिति में प्रबंध तंत्र का जो अपराधीकरण है वो या तो जेल में है या शून्य के कगार पे है। घटनाएं बहुत हुई है, उत्तर प्रदेश का बड़ा इतिहास रहा, बिहार से लेकर के AK-47 से लेकर के मैं किन किन भी चर्चा करूं, चूंकि हम लोगों की फील्ड है आयुष जी। लेकिन राजपाल साहब मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी ने कोशिश की थी कि अपराधियों से दूरी बनाने की, आपराधिक संरक्षण नहीं देने की, और यही कारण था कि एक लंबा विवाद उनको अपने पार्टी के अंदर झेलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ में हम लोग बैठे हुए हैं, हम इस बात को कह सकते हैं कि किसी भी विधायक, नेता, मंत्री, सहायक प्रमुख सचिव और IAS IPS की हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी अपराधी को संरक्षण दे, क्योंकि उसको पता है कि देर सवेर उसको सजा मिलेगी, या वो जेल में जाएगा या उस पर FIR दर्ज होगी। बदले हुए माहौल में आयुष जी देखिए, चूंकि लंबा कोड है, ये आज दो दिन का नहीं है, ये इतिहास लगभग 40-45 साल का है, कुछ लोग तो 75-80 साल के भी हो गए हैं, तो जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो घटनाएं बिल्कुल चिंता का विषय, उसका जवाब अशोक जी देंगे। मैं सहमत भी हूँ, चाहे वो गाजियाबाद के पत्रकार की हत्या हो, चाहे वो उस लड़की के ब्लास्ट मतलब मर्डर की बात हो, चाहे गोरखपुर की बात हो। और आयुष जी मजे की बात देखिए कि अनलॉक, जब अनलॉक वन 1 जून से लेकर के आज हम 14 अगस्त में चर्चा कर रहे हैं, इधर आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं,
हम बात कर लें बाकी मुद्दों पे, ये इसका जवाब इनको देना बनता है। लेकिन प्रबंध स्तर पे, चाहे वो कोयला खदान की बात कर लें, रेलवे के ठेके की बात कर लें, नेशनल हाईवे की बात कर लें, हर जगह माफियाओं की पूरी दखलंदाजी थी और उनको राजनीतिक संरक्षण भी था। राजेश राय जी, क्या ये जो प्रबंध तंत्र जिसका जिक्र बार बार मनोज जी कर रहे हैं, उसमें विगत या फिर मौजूदा अगर 3.5 साल का कार्यकाल हम लोग देखते हैं तो उसमें परिवर्तन आप पाते हैं, या फिर ये माना जाए कि भाई कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है या कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है? क्योंकि आप तो व्यवस्था के अंदर रहे हैं, आपने तो तमाम सरकारों के अंदर आपने देखा है कि कैसे कामकाज होता है, संरक्षण भी कैसे होता है, क्या नजर आता है इस 3.5 साल को भी अगर हम लोग देख लें तो? मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि मैंने तमाम सरकारें देखी हैं अलग अलग, उसमें पिछले दिनों में एक आध सरकारें ऐसी रही हैं जिनकी अपराधियों के प्रति जो प्रतिबद्धता है उनके खिलाफ वो थोड़ी सी अच्छी रही है। लेकिन वर्तमान सरकार में भी जो एक राजनीतिक कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, और उसमें बात यह है कि जो अपराधी है उसके साथ कोई टॉलरेंस, उसके पक्ष में कोई टॉलरेंस नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर जो अपराधी है उसको साथ दे रहा है, उसका संरक्षण कर रहा है, इस बात की संभावना इस गवर्नमेंट में नहीं दिख रही है। क्योंकि पुलिस वाला भी नहीं बच सकता, अगर पुलिस वाला संरक्षण दे रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, अगर कोई और संरक्षण दे रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो चूंकि उस कार्रवाई का डर है, क्राइम तो देखिए ऐसा नहीं, क्राइम ऐसी चीज है। अभी आप देखिए, जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि जब ये कोरोना की शुरुआत हुई और जब करीब करीब 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लगा, तब से लेकर के लगभग जुलाई के एंड तक, जुलाई तक ये पूरा का पूरा जो समय जुलाई मिड तक जो गया, उसमें पुलिस की बड़ी वाहवाह थी, मेडिकल वालों के साथ बहुत वाहवाह थी, क्योंकि क्राइम नहीं हुआ, लोग नहीं निकले, घरों में रहे, लोगों को कोरोना से भयभीत रहे। अब जब इधर कोरोना का डर तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन लोगों का डर निकल गया, और जब लोग सड़क पे निकलना शुरू हुए, आना शुरू हुए, निर्भीक हुए, तो जो जिनका जरायम का कहीं पे किसी तरह के इरादे थे, लोगों ने क्राइम भी किए हैं, और जहां उसमें पुलिस की लापरवाही है, कार्रवाई हुई है। पुलिस की लापरवाही हो सकती है, क्राइम बढ़ भी सकता है, लेकिन क्रिमिनल के साथ कोई, कम से कम मैं समझता हूँ प्रशासनिक और शासन की किसी क्रिमिनल को संरक्षण देने की जो प्रवृत्ति नहीं है, वो प्रवृत्ति एक ऐसी बात है जो बड़े आप अपने आप में बड़े सकून दिया। राजपाल कश्यप जी जवाब दीजिए, कुमार अशोक पांडे जी ने कुछ सवाल खड़े किए थे आपके ऊपर। ने जिन जिन लोगों के नाम लिए थे, क्या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जो जिन अधिकारियों के नाम आ रहे, क्या उनको बर्खास्त किया गया? क्या जिन बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं उनके लिंक जुड़े हुए थे, क्या वो फोन की जो बीच में उससे बात कितने दिन गायब रहा, या 5 साल का लगातार हम लोगों ने कहा डीपीआर जारी कर दो, किन किन बड़े नेताओं से उससे संबंध थे, क्या उन मंत्रियों को बर्खास्त किया? सरकार केवल मैंने कहा नहीं कि ये हर करप्शन को भी व्यवस्थित कर रही है, करप्शन को भी व्यवस्थित मैनेजमेंट कर रही है, और ध्यान हटाने की ताकत तो अपार है इस सरकार में। यहाँ लोग भूखों मर रहे हो तो वो बताओ कहाँ कौन सा राज्य बता दे, क्या क्या बता दे। ये दुनिया में सबसे ज्यादा व्यवस्थित झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है, दुनिया में एक नंबर का किताब कोई दे तो बीजेपी है और आरएसएस है, जो सीधा दूसरे को चाहता उम्र मोदी था। आज आप जमीन पे तो जाइए, घरों में क्या हालत है, आप टीवी चैनलों पे हम देखते हैं, लाठी चल रही, फेंडे चल रहे, गोली चल रही, हत्या हो रही, अपहरण हो रहे, और इस तरीके के नंगा नाच हो रहा है और भ्रष्टाचार। राजपाल कश्यप जी, आपने कम से कम ये बात स्वीकार तो कर ली कि टीवी चैनल पर आप देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि हम लोग दिखाते ही नहीं है। मैंने विरोध सिर्फ इसीलिए किया कि हम सब दिखाते हैं, हम ये भी दिखाते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण भाई क्यों हो रहा, नहीं होना चाहिए, और हम ये भी दिखाते हैं कि भाई जिसकी सत्ता है वो क्या कर रहा है। चलिए, अच्छा लगा मुझे कि चर्चा के अंदर भी आपने इस बात को स्वीकार किया, और आपकी इसी बात के साथ अब मुझे ये चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी क्योंकि मेरे पास समय नहीं कि चर्चा को मैं और आगे बढ़ा पाऊं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि जो सत्ता है उसका जो अपराधीकरण है, जो संरक्षण है, वो सबके सामने है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से सुधर रही हैं और उसको और कैसे सुधारा जाएगा, ये भी सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।